नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के निर्माण के लिए 14 गांव की जमीन अधिग्रहित की जाएंगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यमुना विकास प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव मंजूरी के लिए जिला प्रशासन को भेज दिया है। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार इसी सप्ताह उक्त जमीन के अधिग्रहण के लिए जो राशि खर्च होनी है उसका 10% हिस्सा जिला प्रशासन को दे दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण की 1,365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि हवाई अड्डा परियोजना को लेकर प्राधिकरण ने 14 और गांव की जमीन के लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 1,334 हेक्टेयर, दूसरे चरण में 1,365 हेक्टेयर और तीसरे चरण में 1,318 और चौथे चरण में 735 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि तीसरे और चौथे चरण के लिए 14 गांव की 2,053 हेक्टेयर जमीन ली जानी है, जिनमें दयानतपुर, बंकापुर, परोही, रोही, किशोरपुर, मुकीमपुर सिवारा, साबोता, मुस्तफाबाद, किशोरपुर, रामनेर, बनवारीबास, ख्वाजपुर, थोरा, नीम का शाहजहाँपुर, जेवरबांगर और अहमदपुर गांव शामिल हैं।